इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 का शुभारंभ बुधवार को हुआ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में बुधवार को खेती किसानी संबंधित एक आयोजन की शुरुआत हुई थी, जहां करीब 40 से अधिक निजी कंपनियों व शासकीय ऑर्गेनिक खाद बीज स्टॉल सहित तमाम तरह के खेती किसानी संबंधी दवा व बीजों का ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 लगाया गया। 5 दिवसीय इस जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन व जैविक उत्पाद मेले में आज तीसरे दिन शुक्रवार को भी खेती किसानी के कई विशेषज्ञों ने शिरकत की और किसानों के बीच फसलों के अच्छे उत्पादन व गुणवत्ता के लिए जानकारी दी। इस दौरान यहां पर एक बार में 30 लीटर तक दूध देने वाली गिर की गाय एवं बछड़े का सजीव प्रदर्शन भी मेले में देखने को मिला। आज ये तृतीय दिवस है जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन व जैविक उत्पाद मेला का, और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैविक का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है इस मेले के माध्यम से, और सीधे जो व्यक्ति जैविक को समझता है, जानता है, उस तक जानकारी पहुंच रही है, और यहां पे किसान आ रहे हैं और वो ज्ञान सम्मेलन में जो हमारे विशेषज्ञ सेमिनार ले रहे हैं उसको समझ रहे हैं, जैविक खेती के बारे में जान रहे हैं। और कल का दिन भी बहुत अच्छा था, सब हमारे स्टॉल्स में लोग हमारे फार्मर्स के स्टॉल में गए हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बहुत लोगों ने ख़रीदारी की है, और चूंकि जैविक यानी शुद्ध उनके सामान हैं, उनके अनाज हैं, मसाले हैं, तो एक अच्छा वातावरण बन रहा है। एक स्वस्थ भारत मिशन जो है, मिशन हेल्दी इंडिया, और हमारा इंदौर चूंकि हेल्थ स्वच्छता में तो नंबर वन हो ही चुका है, अब हमें स्वस्थता में स्वस्थ बनना है, नंबर वन सिटी बनना है। चूंकि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हमने कंट्रोल किया हुआ है, बिना मास्क और उसके हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, हमने खुद व्यवस्थाएँ कर रखी हैं मास्क की और लोगों को सोशल जैसी बीमारी को लेकर जैविक प्रोडक्ट्स किस तरह से आम लोगों की मदद करते हैं? जो ये पूरी तरह से लिंक है, क्योंकि कोरोना में आपने सबसे बड़ी चीज़ देखी होगी कि इम्यूनिटी जो है वो मेजर रोल अदा कर रहा है, और जो लोग गलत खान पान और गलत प्रक्रिया जीवन शैली जी रहे हैं वो पूरी तरह से इम्यूनिटी ख़त्म कर रही है। यदि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके शुद्धता की ओर आएंगे, शुद्ध अनाज खाएंगे, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री अनाज खाएंगे, तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होगा। एक्सपो में देख रहा हूँ आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है, ये कौन सा स्टॉल आपका है, कौन से प्रोडक्ट आपके पास है जो आप यहाँ पे स्टॉल में आपने लगा रखे हैं? जी, अभी जो एग्रीकल्चर कॉलेज में अपना मेला लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा गुरु संपूर्ण ताजा के नाम से इंदौर का हमारा खुद का लोकल ब्रांड है। मैंने इसको 3 साल पहले इंदौर में शुरू किया था, जिसमें हम लकड़ी घाणी से मतलब कोल्ड प्रोसेस जो कोल्ड प्रेस ऑयल तैयार करते हैं, इसमें मूंगफली, तिल्ली, सरसों, नारियल, बादाम, अलसी, सनफ्लावर, इस प्रकार के 7-8 प्रकार के हम खाद्य तेल जो हैं इंदौर में तैयार करते हैं। बंगाली चौराहा के पास में हमारा प्लांट है, जहाँ पर आप आकर सारी प्रोसेस जो है लाइव देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में हम जैविक गुड़, सेंधा नमक और ब्राउन शुगर जो होती है, खांड सारी, ये सभी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, और इंदौर में फ्री होम डिलीवरी है। आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद आपको इंदौर में नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी मिल जाती है। अगर हम बात करें तो कौन सी शॉप वगैरह पर भी आपके प्रोडक्ट उपलब्ध हो सकते हैं? हमने अभी शॉप पर रखना शुरू नहीं किया है, हमारा उद्देश्य है कि ऑर्डर आने के बाद में ही सारी चीज़ें तैयार होती हैं, तो हम ऑर्डर लेते हैं पहले और कस्टमर के यहाँ डायरेक्ट हम पहुँचाते हैं, फ्री होम डिलीवरी करते हैं। तो हमारा तो आम लोगों को किस तरह से इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा? सर, अभी बाज़ार में जो हम तेल की बात करें अगर, तो रिफाइंड ऑयल सबसे ज़्यादा चलन में है, क्योंकि वो सस्ता होता है, चीप कमर्शियल ऑयल भी जिसको हम कहते हैं, तो वो 120-130 रुपए में जो है सोयाबीन का तेल बाज़ार में मिलता है, लेकिन वो 90% तक पाम ऑयल की मिलावट होती है, तो वो हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि लकड़ी घाणी का तेल जो परंपरागत पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा उपयोग करते थे, वो हमें वापस से शुरू करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।